Rahim. Students, we are studying biology, ninth class, chapter two. Uh, that's about uh, solving a biological problem. This chapter we are to start today. In the start, it has been mentioned here. What is science? Science is systematized knowledge or it is written here systemized. Systemized is uh, another term uh, used at the place of systematized. Both are same things. So it is a systemized or systematized knowledge, which is derived from observations and uh, experiments. सिस्टेमेटाइज मीन अरेन्ज आर ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू एन ऑर्गेनाइज वे आर यूजिंग एन ऑर्गेनाइज मैथड साइंस जो है एक ऐसा नॉलेज है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कलेक्ट किया हुआ है और अरेन्ज्ड है साइंस के हवाले से थोड़ा सा मैं बता दूं कि वेरियस फिनोमिना विस्थ डिस्किस इन साइंस फिनमिना एंड अदर टर्म इज नोमिना फिनमिना आर दोज थिंग्स दैट वी कैन डिटेक्ट आर वी कैन फाइंड यूजिंग आवर फाइव सेंसेस Our five senses which are there sense of sight, sense of smell, sense of taste, sense of hearing, or sense of touch, these are five senses. Uh, without using intuition, intuition that may be considered uh, sixth sense With, uh, without including intuition. Using five senses, the things that can be identified, that things that can be found or felt, these are called phenomena. Now what is Nomina? Nomina is the thing, uh, things, reality you can say. the actual existence of an object are actual existing of uh, uh, anything that we are just sensing with our senses, but we are not approaching its reality. What the real thing is there, it is called nominal. I give examples. Force. We believe that force is there. Force exists. Similarly, lightning, lightning. Uh, you can take its example. These are nominal. Now, what is the relation? Using science. What is science? Science actually is our approach from phenomena to nominal. हम कह सकते हैं फिनोमिना से नोमिना तक अप्रोच करने की जो स्ट्रगल है जो कोशिश है ये साइंस है वी यूज वेरियस मैथड्स विच आर साइंटिफिक मैथड्स टू अप्रोच द रियलिटी ऑफ द थिंग्स एंड दीज एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट To determine the principles about how nature operates ki ye jo ये जो different natural phenomena hain ye kaise ये कैसे hain कौन से principles को ये follow करते हैं इनको मालूम करने के लिए हम experiments करते हैं फिर इन ऑब्जर्वेशन से और इन एक्सपेरिमेंट से जितना नॉलेज इकट्ठा होता है ये सारे का सारा नॉलेज जो है इसको जब हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं सिस्टेमेटिक वे में तो इसको साइंस कहा जाता है मतलब कि साइंटिस्ट, लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो साइंटिस्ट हैं वो सेम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं टू मेक एंड टेस्ट न्यू थ्योरीज नई थ्योरीज जो बनती हैं उनको बनाने के लिए और उनको टेस्ट करने के लिए सिमिलर मेथड जो है वो यूज होता है दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड तो इस चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट स्टेप्स पढ़ने हैं जो बायोलॉजिकल मेथड के अंदर यूज होते हैं एंड वी शैल स्टडी मलेरिया हेयर एज एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मैथड इन डिटेल बताया कि बायोलोजिकल मेथड में बताया कि क्वेश्चन अबाउट लिविंग थिंग्स है लिविंग थिंग्स जो हैं उनको स्टडी करते हुए जो क्वेश्चन क्रिएट uh, हुए हैं तो इंसान ने एक्चुअली अपने सर्वाइवल के लिए जो है ये जितने भी क्वेश्चन राइज किए हैं दैट मैन हैज इन्वेस्टिगेटेड मीन इंसान ने जो है मालूम किए हैं ही हैज फाउंड द प्रॉब्लम्स दैट मे बी फेस्ड बाय लिविंग थिंग्स तो एक्चुअली बताया कि उसने अपने सर्वाइवल को एड करने के लिए अपने सर्वाइवल को सपोर्ट करने के लिए

तो बताया कि द साइंटिफिक मैथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व इज टर्म एज बायोलॉजिकल मैथड इस बायोलॉजिकल मैथड में कुछ स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जो कि बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट करता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मैथड बताया कि इट हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट फाइव ईयर्स के तकर सौ साल से एक्सपेरिमेंट्स जो हो रहे हैं तो साइंटिफिक रिसर्च में इन एक्सपेरिमेंट्स का एक अहम रोल है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट जो कि फिफ्टीन नाइन्टीज में किए गए टू करंट रिसर्च उससे लेकर अब तक जितने रिसर्च हो रही है तो बायोलॉजिकल मेथड जो है इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द एडवांसमेंट्स इन मेडिसिन इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी हैस सो कि इन सारे फील्ड्स में मेडिसिन का फील्ड हो इकोलॉजी जिसमें कि हम इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड विद देयर एनवायरनमेंट स्टडी करते हैं और टेक्नोलॉजी हो गई जिसमें हम साइंटिफिक नॉलेज को फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड यूज करते हैं तो इसमें जितनी भी तरक्की हुई है तो इसमें बताया कि जो बायोलॉजिकल मेथड है इसकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजिकल मेथड आल्सो एंश्योर द क्वालिटी ऑफ डेटा फॉर पब्लिक यूज कि जो डेटा हमें एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में कलेक्ट होता है उसकी क्वालिटी को एंश्योर करने के लिए कि ये पब्लिक को जो है ये ट्रांसफर करने के काबिल है या नहीं कौन सा डाटा ऐसा है जो हम पब्लिक के साथ अवाम के साथ शेयर कर सकते हैं तो इसके लिए भी बायोलॉजिकल मेथड जो है इट हेल्प है कि मैन हैज़ बीन बायोलॉजिस्ट कि इंसान हमेशा से बायोलॉजी का इल्म रखने वाला जो है वो कंसिडर किया जा सकता है कि ही अ बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लिव जिंदा रहने के लिए उसको बायोलॉजी का इल्म जो है वो चाहिए था अर्ली इन हिस्ट्री अगर देखें ही अ हंटर ऑफ एनिमल्स वो जानवरों का शिकार करता था एंड एंड अ ऑफ फ्रूट्स सीड्स रूट्स इकट्ठे करता सीड्स जो हैं और जड़े जो हैं रूट्स uh, प्लांट्स की इनको इकट्ठा करता द मोर ही न्यू अबाउट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट द मोर सक्सेसफुल हंटर ही वॉज उसको एनिमल्स के बारे में और उनके हैबिटेट यानी उनके रहने की जगह जो है उनके बारे में जितना ज्यादा उसको नॉलेज हासिल होता था तो उसी कदर वो एक कामयाब शिकारी बनता था यानी हंटिंग उसके लिए उतनी आसान होती थी और सक्सेसफुल होती थी द मोर ही न्यू अबाउट प्लांट्स द बेटर ही डिस्टिंग बिटवीन एडिबल एंड नॉन एडिबल प्लांट्स इसी तरह पौधों के बारे में उसको जैसे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई उसको ये पता चला कि कौन से पौधे जो हैं वो खाने के काबिल हैं और कौन से जो ऐसे हैं जो नहीं खाने चाहिए खाने वाले नहीं हैं खुराक के तौर पे यानी कौन सी चीजें प्लांट्स कौन से हैं या कौन से प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जो कि खाने पीने के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं और कौन सी चीजें गिजा के तौर पर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए तो ये इस किस्म का नॉलेज उसको जो है वो आ, मिलता रहा और इकट्ठा होता गया <coughs> अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हाट आर दीज थिंग्स इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको साइंस और बायोलॉजिकल मेथड जो है साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड इसके बारे में कुछ बताया गया अब हम इस मेथड को यूज करेंगे एग्जांपल्स लेकर बताया गया इन बायोलॉजी लाइक अदर साइंसेस जो न्यू थिंग्स हैं दे आर बींग डिस्कवर्ड एंड जो लॉन्ग हेड थ्योरी थी दे आर बींग मोडिफाइड और रिप्लेस विदर वो काफी अरसा से जो थ्यूरीज चली आ रही थी तो उनके अंदर या तो तरमीम की जाती है यानी करेक्शंस जो है वो की जाती हैं या फिर अगर वो गलत होती हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और न्यू थी थीवरी, थ्यूरीज जो है उनकी जगह वो पेश कर दी जाती हैं और ये काम कब होता है जैसे हमारे पास जो है ज्यादा से ज्यादा डाटा और नॉलेज जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है दिस हैपेंस व्हेन बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड गो फॉर इट सॉल्यूशन कहा कि ऐसा कब होता है कि साइंटिस्ट जो हैं या बायोलॉजिस्ट जो हैं वो पहले वाली थ्योरीज जो है उनके ऊपर तजर्बात करते हैं या उनको रिजेक्ट करते हैं या रिप्लेस करते हैं आगे जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई पेश आता है उसको समझते हैं, हैं उनके पता चलता है उनको तो बायोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए नाउ इन सॉल्विंग दैट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और वट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑर्गेनिजम्स मे बी देयर बायोलॉजिस्ट टेक फॉलोइंग स्टेप्स ये स्टेप्स हैं जो के बायोलॉजिस्ट uh, ने लेने होते हैं नंबर वन रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम देखें या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगा या एन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगा दैट मी एफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम तो उसको जानना समझना उसके बाद है ऑब्जर्वेशन करना, फिर हाइपोथेसिस फार्मेशन कोई हाइपोथेसिस जो है वो पेश करना फिर डिडक्शन है डिडक्शन <coughs> जो है लॉजिकल कॉन्क्लूजन होती हैं, जो हाइपोथेसिस से आगे बनाई जाती हैं, फिर इन डिडक्शंस को एक्सपेरिमेंट के जरिए टेस्ट किया जाता है दैट इज द एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स द रिजल्ट आर समराइज It is next stage, summarization of results, where we create tables, we make graphs, etc. We make our results presentable. Then reporting the results is there. It is the last stage, when the results are verified, then they are reported and published. Now details of these steps, uh, we start here. कि मालूम करना बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे एनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि जब भी बायोलॉजिस्ट को कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो दरपेश होता है तो वो बायोलॉजिकल मैथड एडॉप्ट करते हैं उसको सोल्व करने के लिए अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है उसको पहले डिस्क्राइब किया इट इज क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज इधर आस बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये वो क्वेश्चन है लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो या तो कोई बंदा पूछता है या तो कोई दूसरा बंदा जो है वो पूछता है कि ये एक मसला पेश आ रहा है तो इसकी क्या वजह है इसका क्या हल है तो वो बायोलॉजिस्ट से पूछता है या फिर बायोलॉजिस्ट के अपने जहन में जो है वो खुद ब खुद बायोलॉजिस्ट के जहन में बायोलॉजिस्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन में आता है वो दोनों केसेस में ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसको बायोलॉजिस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है और बायोलॉजिकल मेथड यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है सो इट वाज रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशस्ट स्टेप इन सोल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है रिकॉल प्रीवियसेशन आर मे जो बायोलॉजिस्ट है, uh, है उनके पास जो पहले की ऑब्जर्वेशन होती है उस फिना से रिलेटेड जो फिनोमिना जैसे रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उन्हें पेश किया गया है उससे रिलेटेड जो उनके पास ऑलरेडी का रिकॉर्ड होता है वो उसको देखते हैं और नई ऑब्जर्वेशन भी करते हैं आर मेड फाइव सेंसेस। सेंसेस कौन सी हैं विज़न की है हियरिंग है स्मेल है टेस्ट है टच है इन सेंसेस को यूज करते हुए ऑब्जर्वेशन जो है वो की जाती हैं। ऑब्जर्वेश में भी बोथ क्वालिटेटिव और क्वॉंटिटेटिव

रिलेटेड होती हैं मयरेबल होती हैं और जब मैर कर लिया हमने इन चीजों को तो वो कॉन्स्टेंट है वो चेंज नहीं होंगी देखा ना कि दे एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर की सूरत में नंबर्स की सूरत में इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं एग्जाम्पल्स क्वालिटेटिव और की क्वानिटेटिव ऑब्जर्वेश उन्होंने दी है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी को हम ये कहते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो उसके बॉयलिंग पॉइंट से कम है ठीक है लो टेम्परेचर होता है तो जस्ट हमने एक क्वालिटेटिव नेचर बताई है इसकी कि अब कितना लो होता है ये नहीं एक्सप्लेन हुआ और अगर हम ये कहते हैं कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिग्री सेंटीग्रेड एंड द पॉइंट इज हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड हमने वैल्यूज दे दी है तो ये क्वानिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इट इज मोर अंडरस्टेंडेबल सेकेंड एग्जाम्पल लीटर ऑफ वाटर इज देन अ लीटर ऑफ एथनोल अगर हम कहते हैं कि पानी का एक लीटर जो है वो तो अल्कोहल के एक लीटर से ज्यादा हैवी होता है तो ये भी हमने क्वालिटेटिव नेचर बताई है वो कितना हैवी है, है? ये मालूम नहीं लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि लीटर ऑफ वाटर वेज थाउजेंड ग्राम्स एंड लीटर ऑफ एथेनॉल वेज सेवन एटी नाइन ग्राम्स तो ये मोर कम्प्रीहेंसिव वे में हमने एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को अंडरस्टैंडेबल वे में बयान कर दिया कि सुनने वाला जो है वो सही कंपेयर कर सकता है इन दोनों को कि कितना फर्क है वजन में अब एक्चुअली रीजन ये होती है इसके वजन के फर्क के मैं यहां बता दू कि पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है अल्कोहल से पानी की डेंसिटी होती है वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जबकि अल्कोहल की होती है जीरो पॉइंट सेवन एट नाइन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इस वजह से पानी का वेट ज्यादा होता है अल्कोहल से नेक्स्ट होता है कि ऑब्जर्वेशन रीडिंग एंड स्टडीइंग वट अदर्स हैव डन इन द पासिफिक नॉलेज इज एवर ग्रोइंगफिक नॉलेज मुसलसल जो है वो ग्रो करता जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो पास के साइंटिस्ट uh, ने जितनी ऑब्जर्वेशन की होती है जो रीडिंग तो जो स्टडी की होती है हम उसकी भी रीडिंग करते हैं हमारे पास जितना रैकेट होता है हम उसकी भी रीडिंग करते, है, करते हैं उसको भी कंसिडर करते हैं

कि जितने भी हमने ऑब्जर्वेशन से किए होते हैं तो कोई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकते जब तक हम उनको अरेंज नहीं करते उनको ऑर्गेनाइज नहीं करते और उस प्रॉब्लम या उस क्वेश्चन रिलेट नहीं करते जिससे कि वो किए गए हैं तो बताया कि बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजिस क्या करते हैं जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उन सबको एक डाटा की सूरत देते हैं तो पहले तो देखें फिगर्स होते हैं फिर उनको अरेंज कर दिया जाता है तो उसको हम डाटा कहेंगे <coughs> और इसके बाद क्या होता है कि साइंटिस्ट जो है अ स्टेटमेंट वो एक स्टेटमेंट देते हैं वो जो स्टेटमेंट होती है अबाउट दब्जर्व फिनोमिना

ये डेफिनेशन बताई हाइपोथेसिस की इतनी हमारी ऑब्जर्वेशन थी उनकी हमने क्या की टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दी है टेंटेटिव क्या होता है दैट्स नॉट फाइनल ये हम कह सकते हैं गैर हतमी कोई फाइनल नहीं है ये उनकी हमने एक जस्ट एक एक्सप्लेनेशन एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दी होती है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू इट इज स्टेटमेंट सपोज किया हमने लेकिन हो सकता है ये सही क्योंकि तो आगे जब एक्सपेरिमेंट से टेस्ट किया जाएगा तो फिर पता चलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है अब हाई जो है उसकी कैरेटिस्टिक्स क्या होनी चाहिए नंबर वन इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट ये एक आम सी स्टेटमेंट होनी चाहिए कोई तो इसमें कॉम्प्लीकेशन नहीं होनी चाहिए नंबर टू इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया एक टेंटेटिव टेंटेटिव क्या होता है नॉट फाइनल हमें इसको को फाइनल नहीं समझना चाहिए जस्ट एक गैरहतमी सी स्टेटमेंट है उसको यू ही कंसिडर करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन के जितने ऑब्जर्वेशन हमने किए हैं ये उन सबसे एग्री करे उनके मुताबिक हो उनको एक्सप्लेन करे उनको रिप्रेजेंट करे नेक्स्ट पॉइंट इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल जिस कदर हो सके इसको सिंपल वे में जो है वो बयान किया जाए ये सिंपल होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफाइए फॉल्सिफिएबल कि कि ये टेस्टेबल होना चाहिए मींस इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स कर सके, इसको टेस्ट कर सकें एंड पोटेंशियली फॉल्स और हम एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इसको गलत साबित करने की कोशिश तो कर सकें ऐसी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए कि हम उससे रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट ही ना कर सकें कि उसकी रियलिटी को चेक कर सकें कि वो राइट right है या रॉन्ग है इन अदर वर्ड्स बताया कि देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस फॉल्स कि हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए कि हम ये साबित कर सकें कि ये जो हाइपोसिस फॉर्मुलेट किया गया था तो ये सही नहीं है अ वे टू कोई तरीका होना चाहिए उसको डिसप्रूव करने का हम जब वो तरीका यूज करेंगे अगर वो डिस्प्रूव नहीं होता वो सही मान लिया जाएगा और अगर वो डिसप्रूव हो जाता है फॉल्स साबित हो जाता है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे दैट्स वाई द फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस

हाइपोथेसिस uh, को फॉर्मुलेट करने के लिए नेक्स्ट बताया कि बायोलॉजी स्कॉंट यूजुअली चेक एवरी सिचुएशन वेयर हाइपोथेसिस माइट अप्लाई कि हाइपोथेसिस कहां-कहां अप्लाई हो सकता है बायोलॉजीज जो है हर सिचुएशन को चेक नहीं कर सकते बट दे कैन चेक मेनी सिचुएशंस लेट्स कंसीडर अ हाइपोथेसिस के एक हाइपोथेसिस कैंप कि किया गया के ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस बस की एक हाइपोसिस है कि पौधों के जितने सेल्स हैं सब के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है बायोलॉजिस्ट कैन नॉट एग्जाम एवरी लिविंग प्लांट एंड एवरी प्लांट दैट हैज एवर लिव्ड टू सी इफ दिस हाइपोसिस इज फॉल्स अब इस हाइपोसिस को चेक करने के लिए कि ये गलत है या सही है तो बायोलॉजिस्ट ऐसे नहीं कर सकता कि जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं वो सबको जो है वो चेक करें या हर वो पौधा जो कभी जिंदा था पहले उसको चेक करे कि क्या उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है या नहीं तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता इंस्टर्ड <coughs> क्या होता है कि डिडक्शन यूजिंग रीजनिंग लॉजिकली वो कुछ कंक्लूजन से ड्रा करते हैं उस हाइपोथेसिस है से फिर उन, उन कंक्लूजन को उन डिडक्शंस को वो टेस्ट करते हैं फ्रॉम द अबव हाफ प्रोसेस बताया कि बायोलॉजिस्ट जो है कैन मेक फॉलोइंग डिडक्शन कि इफ एग्जामिन सेल्स फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ अ ग्रास देन ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस कहा कि ग्रास के पत्तों को हम चेक करते हैं तो हर पत्ते के सेल्स में न्यूक्लियस होना चाहिए पत्ते के हर सेल में न्यूक्लियस होना, होना चाहिए हम यूं कह है सकते हैं एक पता आपने चेक किया है उस पत्ते के जितने सेल्स देखें हर सेल में न्यूक्लियस होना चाहिए तो इस की जो एप्रोच है पॉसिबल ये कुछ ये की जाती है साइंटिफिक uh, फील्ड में फोर्थ स्टेप डिडक्शन विच आर द लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम ये नेक्स्ट स्टेप है डिडक्शन फ्रॉम हाइपोक्सिस

निकाले जाते हैं जनरली बताया कि इन बायोलॉजिकल मेथड इफ अ पर्टिकुलर ट्रू, देन वन अ रिजल्ट, मींस के जो डिडक्शन डिराइव की गई हैं, ये सारी सही साबित होनी चाहिए एंड इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ इफ देन लॉजिक इसमें जो यूज होती है वो इफ देन की होती है मीन्स इफ दैट स्टेटमेंट इज ट्रू इफ द गिवन हाई इज ट्रू क्ट नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपेरिमेंटेशन द मोस्ट बेसिक स्टेपलॉजिकल मैथड जो है इट इज एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है ये चेक करने के लिए कि जो हाइपोत्सिस पेश किए गए थे दे आर ट्रू और नॉट तो डिडक्शन जैसा पिछले स्टेप में बात हुई कि हाइपोथसिस जो गिमन है डिडक्शन ड्रा की जाती हैं एंड दीज डिडक्शन आर देन सब्जेक्टेड टू रिगुलस टेस्टिंग रिगुरस कह सकते हैं uh, strong testing, शदीद किस्म के साइंटिस्ट जो है वो अग्रेसिवली इसको चेक करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन क्ट अब जो डिफरेंट हाइपोसिज पेश किए गए थे उनसे डिडक्शन आगे ड्रॉ की गई उनको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करके बायोलॉजिस्ट जो है वो ये जान सकता है कि कौन सा हाइपोस जो है वो करेक्ट है जो इन करेक्ट हाइपोसिज होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो करेक्ट प्रूव हो जाता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है इट मेक्स फर्दर प्रिडिक्शन अब प्रिडिक्शन क्या होती हैं? उसकी लाइट में कुछ और फिनोमिना को एक्सप्लेन करना नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करना उनकी एक्सप्लेनेशन देना दैट प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट इट्स वैलिडिटी अब ये जितनी प्रिडिक्शन हैं हम इनको टेस्ट करते हैं इससे हमारा जो हाइप्रोसेस होता है उसकी वैलिडिटी फिर फर्दर टेस्ट हो जाती है लेकिन अब ये जो हाइपोथेसिस हमारा अगर सही साबित हो गया है हम उसको थ्योरी की शक्ल दे देते हैं और थ्योरी के ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं आगे अदर साइंटिस्ट जो हैं दे एक्सेलरेट देर एफर्ट्स टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी देन एंड इफ दैट थ्योरी सर्वाइव्स दिस टेस्टिंग स्ट्रगल ऑफ

कि डिफरेंट ग्रुप्स के हैं डिफरेंट हाइपोज थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए डिडक्शन ड्रा करने के बाद तो सारे जितने अलग अलहदा उनको हम जो है वो ग्रुपिंग करके उनकी एवरेज निकालते हैं यानी स्ट्रेटिस्टिक्स के मेथड्स यूज करते हुए उनको कंपेयर करते हैं और फिर यहां से हम कंक्लूज ड्रा करते हैं टू तो ड्रा कंक्लूज बाजिस्ट आल्सो यूज ए स्ट्रेटिस्टिकल एनालिसिस

और उसके इसके अलावा इंटॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जितने ये जितनी डिस्कशन होती है तो वहां पे वो पेश करते हैं इवन कि सेमिनार्स एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज ये सारी फंडिंग्स जो हैं वो पेश की जाती हैं एंड पब्लिशिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड से जो रिजल्ट्स को पब्लिश करना होता है साइंटिफिक मेथड का एक अहम हिस्सा होता है क्योंकि इससे क्या होता है अदर पीपल इट अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट अदर प्रॉब्लम के बाकी लोग क्योंकि हर बंदे तक ये रिजल्ट पहुंच जाएंगे फिर हर शख्स जो है इनको चेक करने की कोशिश करता है तो इस तरह से वैलिडिटी हाईपोसिस की जो है ये फर्दर टेस्ट हो जाती है क्स्ट बताया कि व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स ग्रुप यूज करते हैं में वो क्या होता है? बताया कि कि जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं तो उसके दौरान हमारा एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट भी होना चाहिए और साइंटिस्ट जो है ही शुड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद द कंट्रोल ग्रुप कि जो उसका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको कंट्रोल ग्रुप के साथ कंट्रास्ट जरूर करता रहे कंपेयर करे उसके साथ द टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड एग्जैक्टली ए लाइक दोनों ग्रुप्स जो होंगे उनको बिल्कुल एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है एक्सेप्ट फॉर द वन वेरिएबल बीइंग टेस्टेड सिर्फ एक चीज का फर्क होता है जिसको कि हम टेस्ट कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल

िटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जबकि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसमें जो प्लांट है दैट विल बी डिप्राइव्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी उसको ऐसी फिजा में रखेंगे उसके एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहने देंगे द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दंट्रोल ग्रुप एंड इट ड इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जब हम ये देखते हैं जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है उसमें मौजूद पौधा जो है उसने फोटोसेंसिस कर ली है लेकिन जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसमें मौजूद पौधों ने फोटोसेंसिस नहीं की इट विल क्लियरली प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड वाज नेसेसरी फॉर फोटोसेंसिस सिंस द प्लांट्स इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वर वीप्राइव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सो इज द रीजन दे हैव नॉट बीन एबल टू प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग फोटोसेंसिस प्रोसेस एग्जाम्पल के तौर पे मलेरिया की स्टडी ली जा रही है बायोलॉजिकल मेथड की एक एक देखिए मलेरिया जो है कॉमन डिजीज़ इन कंट्रीज़ uh, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पाकिस्तान समेत जो है कंट्रीज में ये बीमारी पाई जाती है <coughs> इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात होगी इस डिजीज की हिस्ट्री के बारे में टू नो के हाउ बायोलॉजी द दल प्रॉब्लम कॉज एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया ये मलेरिया जो है इसका क्या सबब था ये कैसे ट्रांसमिट होता था पेशेंट uh, uh, से हेल्थी पर्सन को तो बताया कि इन एंशंट टाइम्स तकरीबन आप कह सकते हैं मोर देन टू थाउजेंड ईयो फिजिशियंस वर फेमिलियर विद मलेरिया मलेरिया से जो है uh, लोग बाखबर थे फैमिली यानी वो लोग ऐसे आगाह थे जस्ट मीन्स के ये मलेरिया काफी पुरानी जो है वो डिजीज है

दलदली जगहों पे रहते हैं तो उनको ये बीमारी ज्यादा होती है और ये भी जो है वो सोचा गया कि जो स्टेगनेट वाटर है मॉस् का दलदली जगहों का जो रुका हुआ पानी ठहरा हुआ पानी होता है इट पॉइजन द एयर कि वो हवा को जो है वो पॉइजन कर देता है आलूदा कर देता है एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीदिंग इन दिस बैड एयर पीपल गॉट मलेरिया उस हवा में जब लोग सांस लेते हैं तो उन्हें मलेरिया हो जाता है और अगर हम मलेरिया का वर्ड देखते हैं तो ये इटालियन वर्ड्स मैला एंड एरिया जो है उनको मिलाकर बनाया गया है मैला का मतलब है बैड और एरिया का मतलब है एयर मींस बैड एयर तो इससे ये मलेरिया का वर्ड डिराइव किया गया इटालियन वर्ड से फॉर फर्दर कलरिफिकेशन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन वॉलंटियर्स जो थे वॉलंटियर्स क्या होते हैं जिसे हम उर्दू में रजाकार कह सकते हैं कि अपनी मर्जी से बगैर किसी मुआवजे की डिमांड के काम करने वाला बंदा जो उसको वॉलंटियर कहा जाता है सम वॉलंटियर्स ड्रेंस टेगनेट वाटर फ्रॉम द मॉशेस कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको ये नहीं कि कहा गया कि आप ये पानी पीकर चेक करें उन्होंने खुद अपनी मर्जी से जो है वो देखा के जो दलदली जगह थी जहां का जो पानी था जिसको समझा जाता था कि ये मलेरिया का सबब हो सकता है उस पानी को पी कर एंड एंड नॉट डिवेलप मलेरिया उनको मलेरिया ना हुआ जैसे ये प्रूव हो गया कि वो पानी जो है वो मलेरिया का सबब नहीं है इन द सेवनटीन सेंचुरी व्हेन द न्यू वर्ल्ड अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई सत्रहवीं सदी में तो मैनी प्लांट जो थे देवर फाउंड फ्रॉम अमेरिका एंड देवर सेंट बैक टू यूरोप फॉर टेस्टिंग देर यूज यूज में जो है करने के लिए उनको चेक करने के खातर यूरोप भेजा गया और ये देखा गया कि जो बार काफ़ ट्री कोयना कोयना ट्री था कोयना कोयना पौधे का नाम था तो उसका जो बार्क था इट वॉज वेरी सुटेबल फॉर क्यूरिंग फीवर्स बुखार वगैरह के इलाज के लिए ये बड़ा सूटेबल था एंड इट वॉज सो बेनिफिशियल कि सोन जो है इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैरी एन अग टू यूरोप कि ये खत्म हो गया ये कोई ना कोई ना जो है ये कम पड़ गया इसकी शॉर्टेज हो गई अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि कुछ डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स जो थे डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स जो हैं कुछ ऐसे ताजिर जो कि आप कह सकते हैं चीटिंग पर्सन डिसनेस्ट जो धोखेबाज कुछ थे तो उन्होंने क्या किया दे स्टार्टेड टू सब्सिट्यूट दर टू सिंकोनाट रिजेंबल्ड रिजेंबल्ड कोई ना कोई ना इस कोयना कोयना से मिलता जुलता एक और पौधा था सिंकोना शक्लो सूरत में मिलता था उन्होंने मिलावट करना शुरू कर दी जब कोई ना कोई ना कम पड़ने लगा तो उन्होंने अपने सेल को बरकरार रखने के लिए या उसको और बढ़ाने के लिए क्या, क्या किया कि सिंकोना की मिक्सिंग शुरू कर ले। दी लेकिन जो उनकी ये थी इट प्रूव वैल्यूएबल फॉर मैन काइंड इंसानों के लिए ये मुफीद साबित हुई क्योंकि जो सिंकोना बार्क था इट वॉज ऑल्सो फाउंड एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया एंड नाउ इट इज वी नो कि सिंकोना बार्क जो है इट कंटेन्स कुनीन ये कुनीन ऐसा केमिकल है दैट इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग मलेरियल डिजीज तो ये कुनीन सबसांस जो है वो सिंकोना बार्क के अंदर मौजूद था तो यहां तक आप इसकी हिस्ट्री का बैकग्राउंड देख चुके हैं कि ये बहुत एंशंट जो है वो डिजीज थी इसको के डॉक्टर्स जो हैं वो चिल्स और फीवर्स के नाम से जो है वो मनसूब करते थे जिसके रिकरिंग अटैक्स होते थे और हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन ये की गई थी कि जो नशेबी या मार्शी एरिया में वहां पर रहने वाले लोगों को ज्यादा बीमारी होती है तो उन्होंने ये सपोज कर लिया था कि ये जो मार्शी एरियाज का स्टेगनेट वाटर है ये हवा को जो है वो आलूदा कर देता है और वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उसमें सांस लेने वाले तो उनको फिर मलेरिया की बीमारी हो जाती है और इसी आ, से ही जो है मलेरिया का नाम भी आगे बना मैला एंड एरिया इटालियन वर्ड से बैड एयर लेकिन कुछ वॉलंटियर्स ने उस पानी को पीकर देखा तो उनको मलेरिया ना हुआ जैसे ये ऑब्जर्वेशन जो थी ये डिस्कवरी तो गलत साबित हुई लेकिन बाद में आपने ये देखा है कि सेवनटीन सेंचुरी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो वहां कुछ पौधे जो मिले उनको यूरोप भेजा गया उनके मेडिसिन मेडिसिनल वैल्यू चेक करने के लिए तो उन पौधों में से जो कोइना कोइना प्लांट था उसके बार का देखा गया कि इस इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट फीवर्स और ये मुफीद था इसकी डिमांड पैदा हुई कि इसकी शॉर्टेज होने लगी लेकिन कुछ जो ताजर थे उन्होंने जान बोझ कर इसके अंदर जो है एक्चुअली तो उसकी उनकी ये चीटिंग थी उनकी ये ईमानदारी की बात नहीं थी लेकिन उन्होंने क्या किया कि अंदर मिलावट शुरू कर दी सिंकोना पौधे की लेकिन ये जो उनकी एफर्ट थी उनकी डिसनेस्टी थी हालांकि लेकिन ये इंसानों के लिए ये भी मुफीद साबित हुई वो सिंकोना का जो बार्क था वो भी बड़ा इफेक्टिव था उसकी वजह क्या थी कि सिंकोना के बार्क में कुनीन सब मौजूद था और ये कुनीन जो है वो मलेरिया की ट्रीटमेंट में यूज होता है एट दैट टाइम बताया कि फिजिशियंस जो थे दे ट्रीटेड मलेरिया विद तो सिंकोना से इलाज तो करते थे बट दे डिट अंडरस्टैंड दॉ मलेरिया मलेरिया के काज का उनको नहीं पता था कि मलेरिया का सबक क्या है 200 इयर्स लेटर ये हुआ कि ये देखा गया कि कुछ डिजीजेस जो है दे आर कॉज बाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए स्प्रेड होती हैं एंड आफ्टर दिस डिस्कवरी इट आल्सो बिकेम अ बिलीफ दैट मलेरिया टू मैट बी कॉज सम बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ये uh, सोचा गया कि शायद मलेरिया भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो है वो आ, आ, पैदा होती हो ये बीमारी तो इन 1878 में फ्रांस आर्मी फिजिशियन लेवरान जो है उसने ये सर्च शुरू की कि मलेरिया की काज को मालूम किया जाए तो लेवरान ने ऑफ uh, ब्लड जो है वो डिफरेंट मलेरियल पेशेंट्स का लिया और इन सैंपल्स को उसने एक्सामिन किया अंडर माइक्रोस्कोप और उसने कुछ लिविंग क्रिएचर्स जो थी कुछ जिंदा चीजें जो हैं, इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसको इसमें नजर आए अब उसकी जो डिस्कवरी थी

तो इन ये जो ऑर्गेनिज्म देखे गए इनको नाम दे दिया गया प्लाज्मोडियम का ठीक है इसको प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया गया इन द लास्ट पार्ट ऑफ नाइनटीन सेंचुरी मैनी डिफरेंट काजेज ऑफ मलेरिया वर बींग सजेस्टेड मलेरिया की क्या वजुहत हो सकती हैं डिफरेंट काजेज जो थी वो सजेस्ट की जा रही थी एंड बाई ऑब्जर्वेशन जो मलेरिया के बारे में की गई वो ये थी नंबर वन मलेरिया एंड मार्शी कि मलेरिया और जो मार्शी एरिया इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन जरूर है वजह कहती है मलेरिया ज्यादा टू कन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया मलेरिया के इलाज के लिए कुनीन जो है एक अच्छी मौसर दवाई है तीसरी बात ड्रिंकिंग द वॉटर ऑफ मार्शीज ड नॉट काज मलेरिया दर्दली जगहों का पानी पॉन्ट थे मलेरियल पेशेंट मेरिए जितने पेशेंट्स थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा गया जितने पेशेंट्स मीन के जितने पेशेंट्स का ब्लड चेक किया गया <coughs> जो भी ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट के पास आती है या वो खुद करता है उसकी बेस पे हाइपोसिस हैं वो बनाए जाते हैं तो इसी तरह से एक हाइपोसिस जो है वो ये कायम किया गया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन

कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का सबब है तो जितने भी पर्सन जो हैं इल विद मलेरिया, है कि मलेरिया के जितने भी मरीज हैं, सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए नाउ द नेक्स्ट वॉज टू टेस्ट द डिडक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स विच ब्लड ऑफ हंड्रेड मलेरियल अंडर माइक्रोस्कोप एंड फॉर दर्पज ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप ब्लड ऑफ हंड्रेड हेल्थी माइक्रोस्कोप के सौ मलेरिया के मरीज लिए गए उनका ब्लड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया और कंट्रोल ग्रुप के तौर पर हंड्रेड हेल्थी पर्सन लेकर उनका ब्लड भी जो है वो माइक्रोस्कोप में देखा गया अब ऑब्जर्वेशन क्या थी इन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था द रिजल्टोड मलेरियल प्लाज्मोडियम इन देर ब्लड कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स तो थे तकर हेल्दी पर्सन थे हंड्रेड लिए गए ग्रुप में उनके अंदर भी सात बंदों के ब्लड में प्लाज्मोडियम था हालांकि उनको मलेरिया का मर्ज नहीं था अगले लेकिन नाउ वी नो दैट प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ पर्सन पीपल वॉज इनक्यू इनक्यूबेशन पीरियड कह रहे कि अब हमें पता है कि उसकी वजह क्या थी कि जो हेल्दी पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोनियम पाया गया वो इनक्यूबेशन पीरियड में था और इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इनएक्टिव पीरियड कह सकते हैं ये वो पीरियड होता है दैट इज बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स कि पैरासाइट ब्लड में एंटर तो हुआ है लेकिन अभी वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ कि सिम्टम्स जाहिर हों

किसी भी और बीमारी से इतनी अमवात वाकई नहीं हुई जितनी मलेरिया से हुई है द अकाउंट ऑफ मलेरिया इज एन एक्सम्पल ऑफ बायोलॉजिकल सोल्व के मलेरिया को जो कंसिडर किया जा रहा है की एक एक के लिया जा रहा है इट मीन इट इज अ बेस्ट एक्सैंपल एज इट हैज कॉज डेथ पीपल मोर देन एनी अदर डिजीज

इसके लिए बायोलॉजिस्ट ने ये ऑब्जर्वेशन की मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस जो मार्शी प्लेसेस हैं दलदली जगह हैं उनके साथ मलेरिया ज्यादा एसोसिएटेड है यानी वहां रहने वाले लोगों को ज्यादा होता है और ये भी पता चल गया कि ड्रिंकिंग मार्श वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया मार्शेस का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता तो इसी तरह की कुछ ऑब्जर्वेशन थी जिनमें से दो हैं जो आपके अंदी हुई है तो बताया कि फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन

मार्शी एरियाज़ में वहां आता हो और वो इसको कैरी करता होम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेश नंबर वन पीपल हुआ मोर लाइकली टू गेट मलेरिया इनडोर्स वो, वो लोग जो घरों से बाहर सोते थे कमरों के बाहर सोते थे जो कमरों से बाहर सोते थे

जो मच्छरदानियां इस्तेमाल नहीं करते थे तो उनको ज्यादा होता था तीसरी बात इंडिविजुअल्स स्लेप्ट अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया धुए वाली जो जगह हो जहां पे आग जल रही हो के ऐसी के धुआं बहुत पैदा हो रहा हो वहां जो लोग सोते हैं धुएं वाली जगहों के करीब तो उनको मलेरिया नहीं होता ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो किंग ने लिस्ट की

अब इस को सही समझकर कहा कि अगर ये सही है तो फिर डिडक्शन आगे ड्रॉ की गई कि इफ आर मॉस्टोर इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया मैंने शुरू में बताया था कि इफ देन की जो लॉजिक है वो यूज होती है में, इफ बेल इफ मॉस्टोज इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया अगर मॉस्किटोज इन्वॉल्व होते हैं मलेरिया को स्प्रेड करने में प्लाजोडियम शुड बी प्रेजेंट इन प्लास्मो देखेंटियम होनी चाहिए एक लॉजिकल सी बात बनती थी और दूसरी डिडक्शन ये थी कि आप मॉस्टो कैन गेट प्लाजमोडियम बाई बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट ये भी लॉजिकल थी अगर मॉस्किटो जो है वो किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करे तो उस मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम आ जाना चाहिए यानी जिस मॉस्किटो में पहले प्लाज्मोडियम नहीं है अगर वो किसी पेशेंट को कट करता है बाइट करता है तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम आ जाना चाहिए यानी मॉस्किटो में आ जाना चाहिए नो इन ऑर्डर टू टेस्ट दिस डिडक्शंस रोनाल्ड रॉस जो कि एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था एंड ही वाज वर्किंग इन इंडिया इन 1880स ही परफॉर्मड सम एक्सपेरिमेंट्स

एंड ही किल्ड मॉस्कीटो समेटर कुछ दिनों के बाद उसने उस मॉस्किटो को यह वो किल किया एंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मॉस्टो स्टोमिक मॉस्टो के स्टोमिक में प्लाजमोडियम की बढ़ती हुई तादाद को उसने पाया अब ये बात जो थी ये जो डिडक्शन थी ये सही साबित होगी कि मॉस्किटो ने एक पेशेंट को बाइट किया है और उसके अंदर मलेरिया का जो जरा सीम वो प्लाज्मोडियम है वो उसके अंदर आ गया यहाँ पे एक बात बताएगी कि इनफेक्ट कुनीन जो है ये इफेक्टिव रेमेडी था मलेरिया के लिए फ्रॉम इट वाज ओनली इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम सेवनटीन टू ट्वेंटी सेंचुरी के सत्रवीं सदी से लेकर बीसवीं सदी तक सिर्फ कुनीन ही एक ऐसा सबसांस था जो कि मलेरिया के इलाज के, के लिए यूज होता था अब तो और भी मेडिसन्स यूज हो रही है अच्छा तो ये जो डिडक्शन थी ये सही साबित होगी अब नेक्स्ट जो लॉजिकल एक्सपेरिमेंट था वो ये बनता था कि अलाउ किया जाए इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को जिसमें प्लाज्मोडियम आ गया है इसको अलाउ किया जाए इट शुड बाइट अ हेल्दी पर्सन कि ये किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करे और फिर देखें क्या वो मलेरिया का मरीज बनता है या नहीं इफ हाइपोसिस वॉज श्रो दी पर्सन वुड गेट ऑल्सो मलेरिया अगर ये हाइपोसिस ठीक है तो जो हेल्दी पर्सन है उसको मलेरिया हो जाना चाहिए बट साइंटिस्ट अवॉइड यूजिंग ह्यूमन फॉर बींग इंसानों को तजर्बात में कहीं यूज नहीं किया जाता कैन बी सो सीरियस नतज खतरनाक हों तो फिर रास ने क्या किया अगला एक्सपेरिमेंट इंसानों पर नहीं किया पे किया बर्ड्स को यूज किया एंड रीडिजाइंड अब रीडिजाइनिंग में क्या था कि अब उसने क्यूलिक्स मॉस्किटोज लिए

प्लाज्मोडियम मौजूद है तो वो जो डिडक्शन थी वो यहां पे सही साबित होगी हि देन मूव्ड दिस प्लाज्मोडियम देन मूव्ड इनटू मस्किटो सेलेवरी ग्लैंड्स उसने कहा कि स्टॉमक की वॉल में पहले मल्टीप्लाई करता है फिर मस्किटो के सेलेवरी uh, जो ग्लैंड है उनमें चला जाता है एंड ही केप्ट सम मस्किटोस अलाइव एंड अलाउड देम टू बाइट हेल्दी स्पैरोस कुछ मच्छर जो थे कुछ मच्छर ऐसे के जिन्होंने पेशेंट्स को बाइट किया हुआ था पेशेंट कौन से आ, स्पेरोस मलेरिया आ, स्पेरोस जो यानी जिनको मलेरिया था मेरे वाले मलेरिया उनको उन्होंने बाइट किया था तो उसने कुछ जिंदा रखे हुए थे ही अलाउड टू बाइट हेल्दी स्पेरोस उनसे उसने हेल्दी स्पेरोस को बाइट करवाया उंडवा ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो कंटेड प्लाज्मोडिया प्लाज्मोडिया प्लोरल प्लाज्मोडियम का जो सिलाईवा था इन्फेक्टेड मॉस्किटो का उसके अंदर प्लाज्मोडियम था एंड एंटरड द स्पैरोज ब्लड वो जो प्लाज्मोडिया थे उस स्पैरो के हेल्दी स्पेरो के ब्लड में एंटर हो गए एंड वेन ही एग्जामिड द ब्लड ऑफ दीज प्रीवियसलीस फाउंड मैनी प्लाज्मोडिया इन इट पहले से हेल्दी स्पैरोज थी उनके ब्लड को जब उसने चेक किया आफ्टर गेटिंग देम इन्फेक्टेड तो उसको पता चला कि उनके ब्लड में प्लाज्मोडिया मौजूद है। इन द एंड द टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमन बींग्स जब बाद में मलेरिया की ये जो मेडिसिन uh, थी ये भी यूज होने लगी इसका इलाज जब दरियाफ्त हो गया तो फिर डायरेक्ट इंसानों के ऊपर भी ये तजुर्बात किए गए 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट जो थे दे अलाउड एन एनोफ्लीज मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट एनोफ्लीज मॉस्किटो से मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया द मॉस्किटो वाज केप्ट फॉर अ फ्यू डेज चंद के लिए उसको रखा एंड देन इट वाज अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन फिर उसी मॉस्किटो से एक हेल्दी मैन को बाइट करवाया गया एंड दिस पर्सन हु वाज हेल्दी बिफोर लेटर ही बिकेम इल विद मलेरिया

और फिर इसको हमने कन्फर्म किया कि वाकई मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है और मॉस्किटोज हैं जो कि प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन परसेंट टू द यहाँ पे ये पिक्चर्स की सूरत में आपको बताया गया ये देखें ये स्पेरो है दैट इज इल विद मलेरिया क्यूलिक्स मास्कटो जब उसको बाइट करता है उसके बाद इसी क्यूलिक्स मास्कटो से जैसे हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया जाता है तो ये हेल्दी स्पैरो बाद में इल हो जाती है विद ऑब्जर्वेशन इज हेयर मास्कीटो ये मलेरियल पेशेंट को बाइट कर रहा है यही मास्किटो जब हेल्दी मैन को बैठ करता है तो उसको भी मलेरिया हो जाता है यहां पे आपको एडीज मास्किटो के बारे में कुछ बताया जा रहा है एडीज मास्किटो वो है जो कि डेंगू फीवर जो इसका सबब बनता है तो इसका जो डिफरेंस है एनोफलीज से वो देख लें कि ये जो एडीज है डेंगू फीवर Uh, को सेपरेट करने वाला जो मास्कीटो है तो इसकी बॉडी जो है वो ब्लैक होती है और इसके ऊपर व्हाइट पैचेस होते हैं जबकि जो एनोफ्लिस है वो येलोइ उनका जो है वो कलर होता है मास्कीटो का तो ये कलर इसका देखें कि ब्लैक कलर है और व्हाइट पैचेस इसके अंदर मौजूद है इसके ऊपर है एनोफ्लीस की बॉडी पे कोई वाइट पैचेस वगैरह नहीं होते और दूसरा फर्क ये जो बैठता है तो एडीज जो है वो बिल्कुल एडीजल टू द ग्राउंड ये जिस चीज पे भी बैठेगा सरफेस पे बैठेगा उस सरफेस के बिल्कुल इसकी बॉडी होगी जबकि जो एनोफिलीज होता है वो फोर्टी फाइव के एंगल पे बैठता है तो सिटिंग पोजिशन से भी हम देख सकते हैं कि इन दोनों का जो है वो डिफरेंस हम पहचान कर सकते हैं इसकी एडीज की और डिजीजेस का स्टूडेंट्स डिफरेंस जो है वो याद रखें कि जो डेंगी फीवर है ये वायरल इंफेक्शन है डेंगी वायरसेस होते हैं जिनकी वजह से यह डेंगी फीवर होता है जबकि मलेरिया जो है वो बैक्टीरियल इंफेक्शन है ये प्लाज्मोडियम जो है ये बैक्टीरिया के किस्म है सॉरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसको नहीं कहेंगे क्योंकि बैक्टीरिया तो होता नहीं तो इसको हम कहेंगे पैरासिटिक इन्फेक्शन कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है ये ना तो बैक्टीरिया है ना ये वायरस है बल्कि ये पैरासाइट है ठीक है तो ये पैरासिटिक डिजीज है कुछ डिजीजेस जो है वो बैक्टीरियल डिजीजे जो बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं वो एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट की जाती हैं इसी ना ये जो वायरल डिजीजेस हैं तो वैक्सीनेशन इनके लिए यूज होती है और जो पैरासिटिक डिजीजेज हैं इनकी सेपरेट ट्रीटमेंट्स होती हैं जैसे कि अब आप, आपने देखा कि कुनीन जो है मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होती रही है या और भी अब मेडिसन यूज होती हैं तो ये पैरासिटिक डिजीज है मलेरिया <coughs> यहाँ पे क्वेश्चन है कि टेस्टिंग द दैट इज ऑफ मलेरिया वट वुड बी द कंट्रोल ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स और ब्लड ऑफ हेल्थ तो लाजमी बात है ब्लड ऑफ हेल्थी पर्सन जो है वो कंट्रोल ग्रुप के तौर पे यूज होगा कि जो मलजीव पेशेंट्स हैं वो तो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा ना विद दिस विस टुर्न वी एंड दिस लेसन एंड स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेसन वी विच विल स्टडी रिमेइंग पॉर्ट ऑफ द चैप्टर लंग विद एक्सर्साइज इट विल बी डिस्कस्ड अल्लाह अफ़ीस